प्रधानमंत्री जी हमें पंजाब जा रहे थे और जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको रोका है। इस पे काफ़ी आक्रोश है बीजेपी के लोगों में, बाराबंकी के अब सांसद हैं, और इस पे आपका क्या कहना है? जिस तरीके से पंजाब में एक पुल के ऊपर, एक हाईवे के पुल के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की गाड़ी को रोका गया, बहुत ही वो मतलब खतरनाक खेल था। और पंजाब की सरकार ने बहुत ही घिनौना कार्य किया है, जहां पर रोका गया है पाकिस्तान की सीमा के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर था, और पुल पर रोकना ये एक बड़ी साजिश भी हो सकती थी, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर पुल के नीचे कोई कुछ हादसा करना चाहता तो कर देता। तो इस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का खिलवाड़ पंजाब की सरकार ने किया है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। और इनको खुद पता है कि इनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किस तरीके से उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, और कहाँ पर वो मतलब उनकी जान भी गंवानी पड़ी। इसके बाद भी ये संवेदनशील नहीं, और मुझे लगता है कि शायद इनको वही है कि हमारे घर के लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ तो सबके साथ ऐसा हो, इस सोच के तहत कांग्रेस काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा मैं जिंदा भस के वापस चला गया, शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने पंजाब मुख्यमंत्री का, इस पे आपका क्या कहना, क्यों जिंदा वापस हो गया, इस पे उन्होंने एक तंज भी दिया है? भाई अगर कोई कोई दूसरा व्यक्ति होता तो गुस्से में अनाप शनाप बोलता, लेकिन आप सहनशीलता देखिए और धैर्य देखिए और सोच देखिए प्रधानमंत्री जी की, कि उन्होंने कहा अधिकारियों से कि जा करके अपने मुख्यमंत्री जी को थैंक्स बोलना कि मैं जिंदा जो है वहाँ से लौट करके और एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। तो ये एक मतलब जिस व्यक्ति को इतना कष्ट झेलना पड़ा, और उस समय ये स्थिति बनी हुई थी सुरक्षा कर्मियों की कि यहाँ पर कोई हादसा ना हो जावे, ऐसी स्थिति के बाद भी उन्होंने थैंक्स बोला, ये कोई महात्मा ही कर सकता, कोई महान व्यक्ति ही कर सकता, ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं।